अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमडी क्रिएशंस। और आज जो हमारे पास प्रिंटर है वो है लेज़र जेट M1132 MFP HP का मॉडल। तो हम आज सिखाएंगे कि इसमें जो आप टेस्ट प्रिंट है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम इस पे पेपर जो है वो डाल लेते हैं। तो हमने पेपर सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्विच ऑन कर लेना है। तो इसको अभी मैं ऑफ़ करके तो दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग सही से देख सकें कि इसका टेस्ट प्रिंट कैसे निकालना है। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया, अब मैं इसको कर लेता हूँ वापस ऑन। तो ये आप देख सकते हैं HP जो है इस वक्त ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये ब्लिंक करना छोड़ देगा और इधर 1 लिखा आ जाएगा, उसके बाद हमने क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम वेट करेंगे ये जो ब्लिंकिंग है इसकी ये बंद हो जाए, क्योंकि अभी जो प्रिंटर है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लिंकिंग है वो इस वक्त बंद हो चुकी है, और जो प्रिंटर है हमारा वो फुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने ये जो क्रॉस वाला बटन है इसको हमने दबा के रखना है। तो जैसे इसको हम तकरीबन 10 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये खुद ही कमांड उठा लेगा। ये देख सकते हैं आप, ब्लिंकिंग शुरू हो चुकी है और इसने तकरीबन कमांड उठा लिया। तो अभी ये थोड़ी देर में पेपर खींचने लग जाएगा। तो इसको अब हम छोड़ देंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है और ये इसने पेपर जो है वो हमें प्रिंट करके दे दिया है। तो ये हमारे पास टेस्ट प्रिंट आया जो कि बिल्कुल ओके है। किसी किस्म का प्रिंट में फॉल्ट नहीं है, ना कोई लाइंस है, ना कुछ है। इसका मतलब प्रिंटर हमारा बिल्कुल ओके है। तो ये हमारे पास इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो ऐसे आपने आसानी से इसका टेस्ट प्रिंट आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।